थोड़ा लेट हो गया हूँ आज, स्कूल की छुट्टी हो चुकी है और अभी हम। तो दोस्तों मेरे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं थोड़ा लेट हो गया था, लेट तो नहीं हुआ था, मतलब क्या है ना, मैंने जो पुराना वाला ब्लॉग है उसका एडिट किया, अपलोड किया, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया, रात को पूरा एडिट हुआ नहीं था। तो अभी 9 बज गए घर पे ही, तो मैं फटाफट निकलता हूँ और आज थोड़ा रास्ते में ब्लॉग नहीं बना पाऊंगा क्योंकि फ़ोन की बैटरी बिल्कुल भी लो है। तो चलते हैं। तो दोस्तों अभी मैं स्कूल पहुंच गया हूँ, ये मेरी स्कूल आ चुकी है, थोड़ा लेट हो गया हूँ आज, तो व्लॉगिंग बंद करता हूँ, अभी बाद में बताता हूँ आपको। 6 hours later स्कूल की छुट्टी हो चुकी है और अभी हम सब जा रहे हैं घर पे, तो अब गाड़ी पे बैठते हैं। ये मेरे क्लास के दोस्त है कुछ, तो दोस्तों मैं अभी घर पहुंच चुका हूं, तो मैं अभी आ चुका हूं ऊपर, तो यहाँ पर ये पहले से इंतज़ार कर रही है ब्लॉग दे के, ये ओवर एक्साइटेड हो जाती है, तो यहाँ पर बैठ सकते हैं फिर से। तो दोस्तों स्कूल से आने के बाद मैंने जो है कपड़े चेंज कर लिए हैं, अभी मैंने घर के अपने ड्रेस में आ गया हूँ, तो अभी थोड़ा सा कुछ घर पर कुछ काम है, तो 1.5 घंटे वो काम मेरे को करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आज मैं मेरी जो कंप्यूटर टेबल की और कुछ सफाई करूँगा, और सफाई करनी बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी टाइम हो गया मैंने इसकी सफाई नहीं करी टेबल की, तो वो बाद में करेंगे, उसके पहले मैं काम कर लेता हूँ थोड़ा, उसके बाद वहाँ रिकॉर्ड करूँगा। तो दोस्तों अभी मैं चाय में ये जो कल की तली हुई रोटी है वो खा रहा हूँ, जैसे घी में तल के हम इसे खाते हैं, इसको ऐसा तल के फिर चाय में खाता हूँ मैं खाता हूँ किसी और का तो मेरे को अभी पता नहीं है, तो अभी यही खा रहा हूँ मैं, बाकी वो लोग बाद में शूट करूँगा। 2 hours later तो दोस्तों उस समय जैसे कि मैंने लास्ट में बताया था कि मैंने चाय में रोटी खाई थी, उसके बाद में मैंने कुछ घर का काम किया और तो मैं व्लॉग नहीं कर पाया उस समय, और अभी 9 बज रहे हैं सीधे डायरेक्ट, क्योंकि 2 घंटे मैं बीच में सो भी गया था, तो सोने के बाद अभी जैसे उठा हूँ मैं, उठने के बाद यहाँ पर मैं यहाँ पर जो धनी है उसने ये भी आर्ट वर्क बनाया है क्ले से, काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये भी दिखाता हूँ मैं आपको, तो उसने कुछ ऐसा ही बनाया है, खुद का नाम लिखा हुआ ऐसा पेड़ बनाया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी जो जैसे मैंने सुबह बताया था कि मैम जो मेरी कंप्यूटर टेबल है या फिर पढ़ाई करने वाली टेबल है उसको मैं थोड़ा ठीक करूँगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिखरी हुई है, उससे पहले उसको ठीक करता हूँ, थोड़ी पढ़ाई करूँगा अब मैं पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि कल फिर से मेरा टेस्ट है तो वो पढ़ना पड़ेगा, अभी हाफ ईयरली चल रहे हैं तो पहले क्लास में क्लास टेस्ट डेली हो रहे हैं, उसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा, तो देखता हूँ आगे ब्लॉग में रिकॉर्ड करता हूँ टेबल को क्लीन करते हुए, ठीक चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरी कंप्यूटर टेबल है वो काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है, सब बिखरे हुए सामान है, तो इसको थोड़ा मैं क्लीन करने की कोशिश करता हूँ, फिर ही मेरे से पढ़ाई हो जा पाएगी, तो करता हूँ मैं इसको क्लीन। तो गाइस मैं आई हूँ अब इस व्लॉग में, तो अभी हम चलते हैं पहले कुलदीप भैया के पास कि वो क्या कर रहा है अभी, एक्चुअल में वो पढ़ाई कर रहा है अभी, मैं आपको बताती हूँ। गाइस मैं अब बताती हूँ कि क्या बनने जा रहा है, अब बनेंगे दाल के पड़े, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे। आज जो धनिया तो देख ही लिया है, तो अब बताती हूँ आपको दाल जो भीनी हुई है अभी। ये है जो दाल भीनी हुई है, अभी मैं हाथ डालूंगी नहीं इसके अंदर, तो टेस्ट खत्म हो गए ओरल टेस्ट, अब हाफ ईयरली आएंगे, मैं तो अभी थोड़े मजे कर रही हूँ, लेकिन अभी उसको पढ़ना पड़ रहा है मेरे भैया को। तो दोस्तों अभी हो रहे हैं 11:30 और अभी हम खाना खा रहे हैं दाल के पकौड़े के साथ, चटनी हरी चटनी और दाल के पकौड़े हैं, बढ़िया गर्म गर्म पकौड़े खा रहा हूँ, धनी भी मेरे साथ ही खा रही है पकौड़े। तो दोस्तों खाना तो मैंने खा लिया आधा घंटा पहले ही, अभी हो रहा है 12:30, तो बस थोड़े से जो जूठे बर्तन है वो मैं धोऊंगा, उसके बाद ही जो ये वाला वीडियो व्लॉग है वो मैं एडिट करूँगा, इसको अपलोड करने की कोशिश करूँगा, तो बर्तन धोने के बाद मैं आपसे बात करता हूँ वापस। तो दोस्तों अभी 1:30 हो रहे हैं और जो वो वीडियो है बस एडिट करने वाला हूँ, ये जो थोड़ा सा ले लेता हूँ, कल वाला जो मैंने फर्स्ट वीडियो में अपलोड किया था उस पर जो है 30 views आ गए हैं, तो आपने थोड़ा बहुत सपोर्ट किया और मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा और सपोर्ट करो जिससे मेरे थोड़े 100 सब्सक्राइबर हो जाए, अभी कुछ 30 सब्सक्राइबर हैं, अगर आप सपोर्ट करोगे तो जल्दी 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, और आपको व्लॉग के अंदर कुछ कमी लग रही है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और मुझे कहाँ पर इम्प्रूव करना चाहिए व्लॉग के अंदर वो भी आप बताएं, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।